मुंबई वालों ने बड़ा सुंदर सा गीत दिया है। क्या बेटा? सबसे पहले तर्ज सुनिएगा, मर्ज सुनिएगा। तर्ज को एक बार ध्यान ना दे लेकिन मर्ज पर जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ की जनता ऐसी है कि एक एक शब्द को बड़े चुन कर सुनती है, ध्यान से सुनती है। निवेदन है आप लोग ध्यान दीजिएगा भैया, सुनिए। तर्ज आया, कैसे आया? बड़ी सुंदर से धुन आई। दत्ता दत्ता भैया जी, आप ये मिलकर कैसा घात करते हैं, इधर हम गीत गाते उधर आप बात करते हैं, ये मत करिए। तर्ज आई कैसे? अरे रंगों की बरखा है, अरे खुशबू का साथ है, काम कर रहे हो आप, की ओर से आशीर्वाद आया है। आशीर्वाद हम आपका बोलते रहेंगे, थोड़ा गीतों को भी सुने, थोड़ी एक कुर्सी की व्यवस्था दस्ता के लिए कर दो। गीत आया सात फेरों के बाद भी प्यार नहीं होता। अरे नजारे और क्या देखे, तर्ज को किनारे करिए, मर्ज को किनारे मत करिएगा, निवेदन है। क्योंकि शुरुआत आदरणीय परवाना जी ने माता रानी के चरणों से की है, क्योंकि अगर माता रानी हैं तो आप लोग जब माता रानी को बिठाते हैं तो उनके दो पहरी मिलते हैं, एक तरफ बाबा बजरंगबली और एक तरफ भैरव बाबा। भैया अब एक को हम ले रहे हैं, अब दूसरे हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। और क्या, अब सुनिएगा, क्योंकि मैं जिनकी पुजारी हूँ बस उन्हीं के चरणों में ये गीत रख रही हूँ। आइए प्रयास करती हूँ, शुरुआत कर रही हूँ अपनी ओर से लांगर वीर जी महाराज यानी बाबा बजरंग बली के चरणों से। सुनिएगा, सुनिए। आप सब लोग जानते हैं 11वें रुद्रावतारी हैं बाबा बजरंग बली भगवान भोलेनाथ के, समझो। तो बस उन्हीं के चरणों में गीत है, कहना है परवाना जी सुनिएगा गीत को। अरे शिव ने ही रूप लिया, बजरंग का धार है, निवेदन है गीत सुनेगा भैया जी। शिव ने ही रूप लिया, अरे बजरंग का धार है, एक भक्ति राम शक्ति जिनका आधार है। गीत पर ध्यान दीजिएगा आदरणीय परवाना जी,
बलिहारी जिनको देखो स्वयं जगताधार है, एक दूसरे के पूरे के भगवान राम और बाबा बजरंग बली। भैया जी इसलिए कहना है धार बहा सुधारस की तो करते सुधार है, तो जिनकी लगे रग में है, जिनकी रगे रग में महिमा महामा की, जिनकी रगे रग में महिमा महामा की नजारा और क्या देखे। भैया अरे जिनकी पूछ में है बजरंग बली चल पड़े, चल पड़े भगवान राम की सेवा के लिए। माता कहने लगी आप जा रहे हैं मुझको क्यों छोड़ के जा रहे हैं, तो माता भवानी पूछ बनकर आ गई। भैया जी जिनकी रगे रग में महिमा महामा की नजारे और क्या देखें, लेकिन जिनकी पूछ में है बाबा बजरंग बली ब्रह्मचारी कहलाते हैं, बाल ब्रह्मचारी कहलाते हैं, लेकिन साथ में अपनी पत्नी को लेकर चलते हैं। इसलिए कहना है जिनकी पहुंच में है अरे झांकी उमा की, जिनकी पहुंच में है अरे झांकी उमा की नजारे और क्या देखे। पहली लाइन जिनकी पूंछ में है झांकी उमा की, अब दूसरी बात देखिएगा मैं कहां से ला रही हूं। पवन पुत्र कहलाते वो सूर्य शिष्य द्वार है, सुनिएगा भैया जी। पवन पुत्र कहलाते वो सूर्य शिष्य द्वार है, और बाबा बजरंग बली वज्र जैसी काया लिए हरि के पहरेदार है। लेकिन खास बात ध्यान रखिएगा भैया जी, अयोध्या या मथुरा और चाहे हरिद्वार है, द्वार है। किसी भी मंदिर में आप प्रवेश करेंगे सबसे पहले प्रवेश करते आपको बाबा बजरंग बली मिलेंगे। जय हो। और ये हमारे रचनाकार जो हैं आदरणीय भैया श्री उमेश सैनी जी की ओर से हमारे साथ जो ढोलक पर संगत कर रहे हैं श्री नारायण जी के लिए श्री आई है। क्या बात है उमेश भैया, आप असली वाली श्री भिजवा दो बस नारायण। और देखिए ऐसा देखा तो मुझे कहना पड़ा भैया बाकी सूरत भैया जी, अरे बाकी सूरत देखते हैं, बाकी सूरत देखते रहा कुछ ना बाकी, जब ऐसा ज्योतिष रूप देखा तो बाकी सूरत देखते रहा कुछ न बाकी नजारे और क्या देखूं। लेकिन खास बात आदरणीय परवाना जी ध्यान दीजिएगा, जिनके सीने में, जिनके सीने में अरे झांकी रमा की, पूंछ में उमा की सीने में रमा की, इधर भी राम सीता है और
उधर सिंहासन पर भी राम सीता है। समझो खास बात है, जिनके सीने में अरे झांकी रमाती नजारे और क्या देखे। तीसरी बात देखिएगा भैया जी, अरे बजरंग की शक्ति जब भी भारतीयों वाले है मुखे नहीं अरे करता बवाल है। लेकिन जो भक्त बालाजी दरबार गए होंगे और ये बहुमूल आशीर्वाद घर मालिक आदरणीय दादा हमारे श्री हरि बाबू जी आपके कर कमलों द्वारा ये 501 रुपए का आशीर्वाद आया है। आदरणीय दादा जी से मैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जी। खास बात सुनिएगा, जो भक्ति बालाजी दरबार गए होंगे कहाँ राजस्थान में, वहाँ पर एक बात खास मिलती है। और मिलती क्या है अरण परवाना जी सुनिएगा, मेहंदीपुरी बालाजी का रूप महाबाल है, रूप महाबाल है। लेकिन खास बात है, अरे भूतों की पैसी लगती। लेकिन समस्या आती है, हम लोग पढ़ते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीर। लेकिन समस्या है भैया श्री गौरव सिंह स्वीटी, आपकी ओर से ये 100 रुपए का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर गलत हो तो लिख कर भेज दीजिएगा, हम दोबारा बोल देंगे। लेकिन समस्या आती है, वहाँ पर देखा है भूतों की पैसी लगती। एक तरफ लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और जब वहाँ पर पहुँचिए तो देखिए कितने बड़े बड़े भूत वहाँ पर सदियों से बंधे पड़े हैं। तो भूतों की पैसी लगती, अहम एक सवाल है, आखिर ऐसा क्यों है? इसलिए कहना है, जिनमें शक्ति समाई है देख सिया माँ की, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। इसलिए अरे जिनमें शक्ति समाई देख सिया माँ की, नजारे और क्या देखे। अरे जिनके मसे तक पे है, पहले पूछ में फिर सीने में, और जिनके मसे तक पे अरे झांकी छमा की, यानी सरस्वती जी इतने ज्ञानी हुए कि रामायण की रचना कर दी। इसीलिए कहा गया है ज्ञानी नामाद्र गणम। और जिनके मसे तक पे अरे झांकी छमा की, नजारे और क्या देखे। कार्यक्रम को पूरा आयोजित किया है, पूरी उन्हीं की भूमिका रही है,
जो कुछ आज यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम लोगों का आगमन भी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप हैं आदरणीय शमानी हमारे भैया श्री राज सिंह भैया लखनऊ, आपकी ओर से ये 1100 रुपए का आशीर्वाद हमारे लिए आया है। मुंबई से चलकर यहाँ पर आया है, यहाँ पर तो अभी कैश आया है। एक एक बार हम और बोल दें हमारे राज सिंह भैया जी, जो कि उन्होंने गूगल पे पर भी 1100 रुपए का आशीर्वाद हमारे लिए भेज दिया है। ये बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय भैया श्री राज सिंह भैया को धन्यवाद देती हूँ, जो आप यहाँ पर नहीं है लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि आप यहाँ पर नहीं, क्योंकि आपका परिवार बहुत अच्छा है। इतना स्नेह प्रेम, इतना सम्मान हम लोगों को मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रिंकी जी। मुकाबला प्रथम चक्र संपन्न हुआ, दोनों कलाकार अपनी नई उमंग, नई उत्साह, नई जोश के साथ अपने कला का प्रदर्शन किया। कहना है कि रिंकी जी ये वो धरती है जहाँ पर कोई ऐसे कलाकार नहीं होंगे किस राय बरेली की धरती पर अपनी कीर्तन की कला न प्रस्तुत किए हो। कहना है कि धन्य है वो गाय रिंकी जी, कि धन्य है वो गाय जिसका तूने दूध पिया, धन्य है वो गाय जिसका तूने दूध पिया, अरे धन्य है वो मात पिता जिन्होंने आपका जन्म दिया, धन्य है वो मात पिता जिन्होंने आपका जन्म दिया। अब हमारे बीच पुनः अपने सक्षम कलाकारों के साथ आ रहे हैं परवाना, जिसकी कोई परवाह नहीं। अब कहना है परवाना जी, जनता वो चाहती है जो आप दे सकते हैं। आपके अंदर वो उमंग और उत्साह दिखाई पड़ रहा है कि जलेबियों में अब कहां गुमान रह गया दादा। बिना अगर मेला अगर हुआ है, अगर जलेबी ना है तो वो घर सुनी होती है, कि जलेबियों में अब कहां गुमान रह गया। चाशनी का नाम इंसान खत्म हो गया, आज तो पिज्जा और बर्गर का नाम हो गया, धान गेहूं का नाम दिवाकर सिंह जलेबियों में अब कहां गुमान रह गया, चाशनी का नाम इंसान खत्म हो गया, आज तो पिज्जा और बर्गर का नाम हो गया, अरे धान गेहूं का नाम बदनाम हो गया, धान गेहूं का नाम बदनाम हो गया। अब हमारे बीच सक्षम कलाकारों के साथ आ रहे हैं परवाना जी, स्वागत है, स्वागत है। लेकिन दोनों कलाकारों को जिस प्रकार सात फेरों के बंधन में बांध दिया गया, तो एक नारी अपने पति के सुहाग को संपन्न कर लेती है, उसी प्रकार दोनों कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन 35 मिनट में करेंगे, अपनी जवाब और सवाल देंगे, जिससे और कला ऐसी प्रस्तुत करे कि बर्गर और चौमीन की ही बात हो, धान गेहूं तो बदनाम हो गया। जनता जनता अगर खुश तो पार्टी दोनों खुश होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्द की आरजू ही तो गीत हुआ करती है, दिल की हर आग ही तो प्रीत हुआ करती है। भटकने वालों की आवाज ही संगीत हुआ करती है। आराम से बैठे, आराम से। क्या बात है रिंकी जी, बहुत अच्छे भैया, आपकी आवाज भी कशिश है। बहुत जल्दी आप
प्रथम चक्र में ही परेशान हो गई। पूरा मंडल परेशान है आज। ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा था ना? और आपने खड़े होते ही एक बात कह दी, कात्यायनी नहीं कात्यायनी, ये धनुष नहीं धनुष। अच्छा ये हमको सिखाएंगी? बताओ कितना पढ़ी लिखी हो? हमारी बिल्ली हम ही समय आओ, हमको नहीं मालूम है कात्यायनी होता है कात्यायनी होता है। ये दरबार रिंकी जी लगा है, जाइए महारानी के दरबार से इंसाफ करा करके आइए। और अब 2 रुपए तो चलते नहीं, 15 रुपए हमसे लीजिए, कान साफ करा कर आइए। आपने सुना ही नहीं, मैं धनुष कह रहा हूँ कि धनुष कह रहा हूँ? लाइव चैनल चल रहा है, आगे चल करके सुनिएगा इसको। आप क्या बोल रही है और मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए और समझिए। हमसे बता रही है कि धनुष नहीं धनुष, आदरणीय कात्यायनी नहीं कात्यायनी। अरे हमें मालूम है, क्या तुमसे ज्यादा हम पढ़ते हैं? हाँ, हम ज्यादा। तुम्हारी जैसी लड़कियों को कितने को हमने बना दिया रिंकी तिवारी, ये क्या घूम रही हो? और क्या प्रभाकर सिंह, प्रभाकर सिंह, प्रभाकर सिंह भैया की ओर से 1 रुपया आया है, बहुत सुंदर। और अभी 100 रुपए बाकी है। गौरव सिंह भैया 100 रुपए सेठी, दोनों भाइयों की ओर से मिला करके 101 रुपए आए हैं। बात है, आप दोनों भाइयों को हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और एक प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों से। कार्यक्रम आपका है, इसको इस हिसाब से आप संबोधित करवाए कि हम दोनों कलाकारों को परेशानी ना हो और सुनने वाली जो जनता बैठी है उसको भी परेशानी ना हो। मैं आपके ग्राम में आया हूँ, पिंकी जी भी आपके ग्राम में आई है, और कुछ ऐसा करें कि आपको गीत का आनंद भी मिलता रहे और आपका नाम भी चलता रहे। आप सभी को विद्वानों को हृदय से नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। रिंकी जी, गीत मैंने दिया था आपने उसमें ध्यान नहीं दिया, आपके रचनाकार ने भी ध्यान नहीं दिया। रचनाकार देर से आए ना। गीत मेरा कह रहा था क्या, अरे महिषासुर है बलशाली सारकता मत वाले, ऐसे न होगा बेजा, नारी ही लेगी उसकी जान। पंक्ति कह रही है ये लो, इसी बात पे लेते रहो। आदरणीय भैया प्रभाकर सिंह आपकी ओर से 100 रुपए है, कोट कोट धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। पहली पंक्ति कह रही है नारी ही लेगी उसकी जान, और दूसरी पंक्ति सुनिएगा, अरे लीला माता की निराली विपता महिमा की काली, नाही है छोड़ा दुष्ट जान, नहीं है लीनी उसकी जान। विशेष बात, नारी ही लेगी उसकी जान और नहीं लीनी उसने उसकी जान। ये तो क्या बात। अजय सिंह कुर्मिया भाव आपकी ओर से पुनः पुनः 101 रुपए है और नमन है, बंधन है। विशेष कोई बात नहीं थी और जो आपके रचनाकार हैं उन्होंने समझा नहीं, बस सीधे भंडासुर के पास पहुंच गए और नारी ही लेगी उसकी जान। कोई बात नहीं, कह रही थी नारी ही लेगी उसकी जान और नारी ने नहीं ली उसकी जान। ये है विशेष बात थी, बड़बड़ाई ने अभी संपूर्ण रात का कार्यक्रम है, इतना परेशान मत होइए। कोई बात नहीं, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती। अजय सिंह कुर्मिया मऊ आपकी ओर से 51 रुपए है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए आपकी ओर से बड़ा सुंदर गीत आया है, प्रयास करता हूँ। गीत गाया आपने, और रंगों की बरखा है, और
रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है, किसी को पता है कब दिन है कि रात है। ला 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 ला। तेरे चेहरे से पाए, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या दे। फिर आया बहुत सुंदर, ये देखो और ये ले। अब बताओ कैसी है तबीयत, ये ले अब बताओ, अब बताओ। नोटों की बरसा हो रही है। ये आखिर ये समझिए चाचा कहाँ से आए, काका देव और क्या, काका देव, काका देव आदरणीय हमारे। कोई भरोसा नहीं चाचा क्या क्या दे दे। अजय सिंह कुर्मिया मऊ, आपकी ओर से ये अंगनत नोटों की बौछार आई है, मैं कोट कोट वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। ये ले, ये ले और क्या, वारी हिम्मत मत मत जी, देख रही हो काम का दाम है। ये 511 रुपए हमारे रमेश सिंह जो काका देव, काका देव, काका देव, काका देव कानपुर से बधारे हुए हैं, आपको नमन करता हूँ, कम से कम आप कानपुर की शान बनाए हुए हैं। आपकी ओर से 500 रुपए हैं, जय हो काका। और आदरणीय गौरव सिंह भैया की ओर से 100 रुपए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, कोट कोट वंदन है, नमन है। तेरे चेहरे से आए, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या। आपने एक शेर पढ़ी, हर यार यार नहीं होता, यार वफादार नहीं होता, तो दिलों के मेल की बात है, वरना सात फेरों के बाद भी प्यार नहीं होता। रिंकी जी होता है, होता है, कैसे होता है, यार तो यार ही होता है, यार भी सच्चा वफादार होता है। रिंकी जी संस्कार यदि अच्छे हो ना, और क्या, संस्कार यदि अच्छे हो तो सात फेरों के बाद भी प्यार होता है, और क्या। ये सब संस्कारों पे डिपेंड करता है, उनके संस्कार अच्छे नहीं है, उनके सात फेरे क्या 15 फेरे करवा दो तब भी कोर्ट जाना पड़ेगा, और यदि संस्कार अच्छे हैं तो प्यार होगा, ये होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तेरे चेहरे से है, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम आदरणीय हमारे रमेश सिंह भैया, अजय सिंह भैया, कुमारिया मऊ, आपकी ओर से 51 रुपए आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने गीत गाया, बस कि जिनकी पूंछ में है वो, जिनके सीने में वो, जिनके मस्तक पे, एक ही शरीर में आपने कई जगह माँ के रूप दिखाए हैं। अच्छा गीत है, कोई दोहरा नहीं है इसमें, ठीक है, कोई दोहरा नहीं है, अच्छा गीत है। लेकिन जी प्रयास सुनिएगा, प्रयास सुनिएगा, आपका गीत घर का है और ये फल का जवाब है, सुनेगा क्या बात, सुनिए चाचा लिखते हैं। वही वही हनुमान जी महाराज ने एक बार किया क्या, अपने सारे शरीर की चमड़ी उधेड़ दी और जब निकाल दी तो सारे शरीर में हनुमान जी महाराज के राम 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 लिखा हुआ था। उत्तर सुनिएगा, क्या बात, जिनकी भक्ति का अब तक जिनकी
बाकी का अब तो ना हुआ अनुमान है। राम जी के सेवक वो महावीर हनुमान है। लाल 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 चमोड़ी निकाली जतन से, चमोड़ी निकाली जतन से तो मचा को राम है। रोम रोम में लिखा मिला राम राम है। बस सिर्फ पूछ में नहीं, रोम रोम में राम राम लिखा है। रोम रोम में लिखा मिला राम राम है। तो कहना पड़ा जिनकी भक्ति है, जिनकी भक्ति है जग में उजागर। अब ये क्या बात है, भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज समझिए। जिनकी भक्ति है जग में उजागर, नजारे हम क्या देखे, नजारे हमने देखे। रोम रोम में, रोम रोम में प्रभु राम गुण आकर नजारे हमने देखे। एक बात और सुनिए करेंगे जी, भक्ति के भाव में आदरणीय हमारे भाई गौरव सिंह शेट्टी, हमारे अभिनंद, हमारे गौरव सिंह भैया की ओर से क्या पे आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। भक्ति के भाव में भावक कपिलाई है, समझ ना पाए कोई जिनकी गहराई है। सभा में भीषण ने ताना मार दिया, अरे हनुमान, अरे मूर्ख बंदर, इस कीमती माला को तोड़ तोड़ कर फेंक रहा है। हनुमान महाराज ने कह दिया, जहाँ पर राम नहीं है मेरे लिए वो हर कीमती चीज बेकार है, और अपने सीने को फाड़ देते कैसे। फाड़ा जसीना तो सबकी, फाड़ा जसीना तो सबकी मती चकराई है। सीता के संग में वहाँ दिखे रघुराई है। और आदरणी भैया अनिल सिंह भैया की ओर से क्या रुपए है, आप कह रही है जिनके सीने में झांकी रमा की नहीं रिंकी जी, ना राम चाचा फायदा कराएंगे अभी। चाचा गुस्सा हो रहे हैं, गुस्सा ना हो रहे चाचा। तो कहना पड़ा जिनके सीने में रमा संग रघुराई, माता सीता और प्रभु राम सबर सीना फाड़ा, हनुमान जी महाराज के सीने में श्री राम और माता जानकी के दर्शन करा दिए उस सभा बीच। जिनके सीने में रमा संग रघुराई, नजारे हमने देखे। जिनकी महिमा, जिनकी महिमा जग में सुखदाई, नजारे सबने देखे।